नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया द 18 जुलाई मीटिंग। टुडे वी आर गोइंग टू मीट एंड हियर अबाउट होम्योपैथी बाय डॉक्टर प्रभु फ्रॉम गोवा। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आज 18 जुलाई 2021 की मीटिंग में हम आज डॉक्टर प्रभु के होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और उनके उनसे मुलाकात करेंगे। आई शेयर माय स्क्रीन। सर, आर यू एबल टू सी माय प्रेजेंटेशन? ओके, आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे हीलिंग एमएनडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको वीडियो अच्छे लगे उनको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको हीलिंग एमएनडी इंडिया में ज्वाइन होना है तो ये ईमेल आईडी है healingmnd@gmail.com। आप इसमें अपना नाम, पता, एज, पेशेंट का नाम, उनकी करंट कंडीशन, उनका रिपोर्ट मेल करेंगे तो हम वेरीफाई करके आपको हीलिंग एमएनडी इंडिया में ज्वाइन करेंगे। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे हीलिंग एमएनडी इंडिया ग्रुप में आज की तारीख में 187 मेंबर्स हैं और हमारे ग्रुप में 7 नेशनलिटीज हैं। ये डिस्क्लेमर है। इट इज अ डिस्क्लेमर दैट प्लीज डू नॉट डिसरिगार्ड एनी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस एंड डू एवरीथिंग आफ्टर टेकिंग द प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसल्टेशन। सर, ये करना पड़ता है, यूट्यूब वाले निकाल देंगे अपने को। ये हिंदी में, आप सब लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो, बहुत आपको पॉज करके पढ़ना पड़ेगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप डॉक्टर की सलाह लेके ही सब कुछ करें। क्या मंजुनाथ जी का फेवरेट आ गया? No animals were harmed in the making of this film. No aliens as well as humans were harmed in the making of this film. No plants, animals, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. Hello, Pinakin ji. हाँ बोलिए सर। वो लिंक सेंड नहीं हो रही हो डॉक्टर प्रभु के लिए। चालू होना वाली मीटिंग है अभी थोड़ी देर में। क्या डॉक्टर प्रभु की मीटिंग चालू होने वाली है ना थोड़ी देर में? बस चालू हो गई सर। यही क्या हो? हाँ चालू हो गई सर। यही क्या, यही मीटिंग है क्या? मीटिंग है सर। ओके 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 ओके, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर, आप ज्वाइन हो गए, बहुत बधाई है आपको। ओके ओके, बहुत बड़ा। ऐसे मजे करते रहो सर, हंसते रहो, लाइफ में हंसने का ही बेस्ट है। बराबर, तुम आए तो हम हंसते रहेंगे, तुम हो तो बस बस। और चलेगा, ओके, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रभु, और मैं उसको आमंत्रित करता हूँ हमारे मीटिंग में, हीलिंग एमएनडी इंडिया के मीटिंग में। डॉक्टर प्रभु, आप अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर, आई थिंक उनका कनेक्ट नहीं हुआ है। कर लो,
चला बैठो शुरू। आएंगे डॉक्टर प्रभु आएंगे। ओके नमन नमन। थोड़ा रुको जरा सफर करो अपने को टाइम लगेगा। अच्छा विवेक जी आप डॉक्टर साहब आते तब तक आप बताएंगे थोड़ा ग्रुप को आपने ट्रीटमेंट चालू किया था। डॉक्टर प्रभु का ट्रीटमेंट ना। हाँ अभी 2 महीना हो गया मैं डॉक्टर प्रभु गोवा से ट्रीटमेंट ले आए होम्योपैथी का और मतलब अच्छा लग रहा है फ्रेशनेस थोड़ा आ गया है। ताकि होम्योपैथी में क्या जो इफेक्ट है लॉन्ग पीरियड के होते करेक्ट करेक्ट सर बहुत टाइम लगता है उसमें। ठीक है अच्छा है बहुत से अपने ग्रुप में बहुत से लोग भी ले रहे हैं और अपने पास एग्जांपल है कौशिक जी उन्होंने इतना टाइम लिया उनको अच्छा हो गया। हाँ और सबको अच्छा रिस्पांस भी देते हो आदमी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। और दूसरी बात जो होम्योपैथी के बाकी डॉक्टर है इंडिया में जैसे कि मैं एक दो जगह गया था इंदौर गया था। हाँ। तो मतलब बहुत लुटते पैसा ज्यादा लेते 1 मंथ का मेरे से 19,000 रुपए लिया था। 19,000। हाँ और डॉक्टर प्रभु कितना लेते हैं? वो 1700 रुपए लेते 2 मंथ का। 1700 आ गए सर मतलब कॉस्ट भी तो, उनका बहुत। ओके उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है 2 मिनट में डॉक्टर प्रभु ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ गोवा से उनको आने में टाइम तो लगेगा ना। बराबर है सर बराबर है गोवा से। और कैसे हो पिनाकिन भाई ठीक हो? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। देखो अपने लिए डॉक्टर प्रभु नहीं बोल सकते हम बोलते कि प्रभु आए हमको बचाने को। हाँ, उनका नाम ही प्रभु है। हाँ वही। डॉक्टर प्रभु आपको आवाज आ रही है सर? पिनाकिन आपका सुनाई नहीं दे रहा है। अरे पर उनका ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हुआ है आप एक बार बोलेंगे उनको कॉल मैंने उनको लिखा है। शायद फिर से कनेक्ट कर रहे हो। हाँ वांदा नहीं आराम से अपने को क्या गाए अपने को प्रभु को मिलना है भाई डॉक्टर प्रभु को। हेलो ज्योति ज्योति कपूर इज शी देयर? वेट आई विल चेक। यस ज्योति मैम इज देयर। हाँ Hi Jyoti, you also started the treatment with Dr. Prabhu. Can you give us some feedback, please? Thank you. Hello, Jyoti, ma'am.
नमस्ते डॉक्टर प्रभु, वेलकम टू एमएनडी इंडिया मीटिंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। बाकी लोगों को म्यूट कर दो प्लीज, बिना कीजिए बाकी लोगों को म्यूट कर दो प्लीज। रोटी सब्जी पठाई दो। Everybody, please mute your exam. Hello. सर आ रही है आवाज, सर बोलिए। हाँ, बहुत जनों की आवाज आ रही है, एक ही बात। हेलो, सबका आवाज बंद हो गया सर, अभी आपका ही आवाज है, आपको क्लियर। ओके ओके ओके। सर आप पहले अपने बारे में बताएंगे, अपना आपका कभी चालू हुआ वो सब। हाँ, मैंने होम्योपैथी का प्रैक्टिस चालू किया 1994 में। 1994 से मैं प्रैक्टिस करना चालू किया, तभी से मेरे पास जो पेशेंट आए वो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट ही आए, और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट करने के इसके फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आने चालू हुए, जैसे कैंसर, किडनी फेल्यूर, और अभी अभी ये एक पिछले 5-6 बरस से मेरे पास ये ALS के पेशेंट कभी कभी आने चालू हो गए। उसमें जब हम प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी में, हम प्रैक्टिस करते हैं तो होम्योपैथी में डिसीज का जो ये रहता है, डिसीज का डायग्नोसिस जो रहता है वो उसके सिम्टम के लिए ही रहता है, लेकिन होम्योपैथी में ज्यादातर पेशेंट का जो सिम्टम रहते हैं पर्टिकुलर सिम्टम रहते हैं, हर पेशेंट को कोई पर्टिकुलर सिम्टम रहते हैं, हर पेशेंट को कोई मेंटल सिम्टम रहते हैं, यानी हर व्यक्ति एक पर्सनैलिटी करके होम्योपैथी में ट्रीट किया जाता है। उसमें ऐसा ये डिसीज के लिए, ये डिसीज के लिए, ये डिसीज के लिए ऐसा मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं रहता है। जैसे फीवर के लिए समझो पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल दिया तो फीवर कम हो गया, ऐसे होम्योपैथी में नहीं है। होम्योपैथी में फीवर आ गया तो फीवर में एक 100 मेडिसिन, उस 100 मेडिसिन से वो फीवर कौन सी तरह का है, यानी फिर वैसे भी नहीं कि ये मलेरिया है, ये टाइफाइड है, ये ऐसा नहीं, ये फीवर के सिम्टम कैसे है। तो ये फीवर के सिम्टम समझो शाम को ज्यादा आता है, रात को 12 बजे आता है, दिन भर रहता है, कब कम होता है, उसमें प्यास ज्यादा कैसी रहती है, ऐसे सब होके ये मालूम पड़ता है कि इसको कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। हर बात जो मैंने अभी बताई, जैसे उसको प्यास नहीं लगती, उसको प्यास ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा पानी के लिए लगती है, तो हर एक के लिए एक एक मेडिसिन अलग अलग है। तो होम्योपैथी में कोई भी डिसीज के लिए जो हम मेडिसिन देने को जाते हैं तो उसको पर्टिकुलरली वो मेडिसिनल डायग्नोसिस देता है कि ये आदमी के लिए ALS है, ये आदमी के लिए डायबिटीज है, ये आदमी के लिए कोई हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, और इस आदमी को ये मेडिसिन लगता है क्योंकि ये इसके सिम्टम अलग अलग है। अभी आपके यहाँ सब जो ALS के पेशेंट है उसमें किसी पेशेंट को राइट में स्टार्ट होके डिसीज लेफ्ट में गया है, अपर पार्ट में चालू होके लोअर पार्ट में गया है, कभी कभी बल्बर
पैरालिसिस बोलते हैं, जैसे मुंह का ये यानी लैरिंगोफैरिंजियल पैरालिसिस, फिर चेस्ट मसल के पैरालिसिस, फिर जैसे स्पीच डिफिकल्टी यानी टंग के पैरालिसिस, जिसको बल्बर एरिया बोलते हैं हम, बल्बर मसल्स का ये जो रहता है उससे पैरालिसिस हो गए हैं। तो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे उसका ये हो गया? आज तक मैंने जो पेशेंट देखे हैं, अभी आपके ग्रुप के भी मेरे पास पेशेंट जो आए हो, और जो पेशेंट और भी बाहर से कभी आ गए मेरे पास, एक 5-6 पेशेंट और आ गए, तो उन सब पेशेंट को मैं जब ट्रीटमेंट देता हूँ तो हर पेशेंट को ये होता है कि उसका कोई तो साइकोलॉजिकल भी एस्पेक्ट उसके बाद पीछे रहता है इस डिसीज चालू होने के कारण। तो जो मुझे आज तक मिले हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को फाइनेंशियल लॉस होता है, किसी को बिजनेस में लॉस होता है, किसी को खुद के जॉब का एक टेंशन रहता है कि जॉब चला ना जाए, या तो किसी को जॉब हेलो सुन सकते हैं ना, बोलिए बोलिए। हाँ तो हाँ, किसी पेशेंट को ऐसा रहता है कि उसके परवरिश अच्छी नहीं हुई है, बचपन से परवरिश अच्छी नहीं हुई है, तो ये सब के परिणाम, ये मेंटल सिम्टम और साइकोलॉजी के जो ये रहते हैं उसके सब परिणाम उसके बॉडी पे रहते हैं, और ये मेंटल सिम्टम फिर उसके फिजिकल सिम्टम, जो फिजिकल सिम्टम है वो जैसे उसमें उनको ट्विचिंग है, उनको क्रैम्प्स है, उनको पेन्स है, ये सब मिला के हम एक मेडिसिन निकालते हैं और वो मेडिसिन उनको देना चालू करते हैं। फिर उसमें कैसा होता है कि मेडिसिन चालू करने के बाद लोअर पोटेंसी से हायर पोटेंसी तक जाते हैं। होम्योपैथी का मेडिसिन हर बार जो रहता है वो डाइल्यूटेड कंडीशन में ज्यादा अच्छा काम करता है। तो हम पहले छोटा मेडिसिन देते हैं, फिर उसकी बड़ी पोटेंसी, फिर उसकी बड़ी पोटेंसी, फिर उसकी बड़ी पोटेंसी, ऐसा होम्योपैथी में मेडिकेशंस रहते हैं। और रिजल्ट आने के लिए कैसा है कि डायबिटीज या रिनल फेल्यूर ऐसे केसेस रहते हैं, तो होम्योपैथी में हम मेडिसिन देते हैं तो हमको जल्दी उसका रिजल्ट मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है यानी कैसे कि शुगर का मेडिसिन दिया, सब जो डायबिटीज के पेशेंट को दिया, तो उसकी शुगर कम हो गई, एक 15 दिन में उसका रिपोर्ट, हम ब्लड का रिपोर्ट करके हम कर सकते हैं। लेकिन MND के पेशेंट में, ALS के पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। ऐसे पेशेंट में हमको ये करना पड़ता है कि उसके बाकी के आजू बाजू के जो सिम्टम है वो सिम्टम में उसको क्या सुधार आया है। जैसे ये डिसीज चालू होने के पहले उनको कौन से सिम्टम रहते हैं, जैसे एसिडिटी रहती है, किसी को हेडेक रहता है, किसी को खांसी जुकाम जुकाम रहता है, फ्रिक्वेंटली जुकाम होने वाले कई लोग रहते हैं, जो ऐसे जो उसके सिम्टम है वो सिम्टम में भी उसका कम आना, यानी जो मेडिसिन दिया है वो मेडिसिन परफेक्ट है करके मालूम पड़ता है। जैसे अभी कभी कभी कोई कोई पेशेंट अभी मेरे पास जो है उनको डायबिटीज भी कभी ऐसा चालू हुआ है कि डायबिटीज 20-30 ईयर्स में भी चालू हो गया है, और आफ्टर इन 40 ईयर्स, इन एज ऑफ 40, आफ्टर 40 वो ALS का ये हो गया, ALS उसको हो गया। तो इतना लंबे से वो प्रक्रिया, वो जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग तब से चालू हुआ जब से उसको ये डायबिटीज या हाइपरटेंशन ऐसे डिसीज उनको चालू हो गए। किसी किसी पेशेंट में वो नहीं रहते, लेकिन हम जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए, और उसके लिए वो मेडिसिन परफेक्ट है वो हमको समझने में 3-4 महीने निकल जाते। ऐसा नहीं होता है कि आज मेडिसिन दिया कल से रिजल्ट आया, ऐसा भी किसी पेशेंट में ऐसा भी होता है, लेकिन हर पेशेंट में ऐसा कम
कम संख्या में होता है, ज्यादा तो पेशेंट को ये रेमेडी उसको जो हमने निकाली है वो परफेक्ट है या नहीं है वो समझने के लिए एक 2-3 महीने निकल जाते हैं और वैसे उसके सिम्टम को हम ट्रीट करते हैं। तो होम्योपैथी में, होम्योपैथी से ALS 100% अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें रेमेडियल डायग्नोसिस परफेक्ट रहना चाहिए। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, तो आपको किसी को और कोई, हेलो सर अभी बराबर है, अभी बराबर है, हाँ हेलो, हाँ, और किसी को उसमें कुछ ये है क्या, और क्या जानकारी चाहिए, कैसी जानकारी चाहिए? मैं पहले ग्रुप की तरफ से मैं आपको पूछता हूँ, ये होम्योपैथी हाँ. में सर ये गोलियां होती है कि लिक्विड भी होता है? हाँ, होम्योपैथी में ऐसा होता है कि जो सब मेडिसिन होते हैं वो लिक्विड में बनाए जाते हैं। उसमें दो तरह के मेडिसिन है होम्योपैथी में, एक बायोकेमिक मेडिसिन करके एक मेडिसिन होम्योपैथी में रहते हैं, जिसमें बारा क्षार बोलते हैं या सॉल्ट बोलते हैं, उसको बायोकेमिक सॉल्ट बोलते हैं या टिश्यू सॉल्ट बोलते हैं, जैसे कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्यू। आपका नेटवर्क वापस चला गया सर, से तक आती है जो टैबलेट फॉर्म में डायरेक्टली आती है, और बाकी का जो मेडिसिन रहता है जो हर्बल इससे बनता है, जो और किसी इससे बनता है, तो वो जो मेडिसिन बनता है उसका एक्चुअल डाइल्यूशन आती है, और डाइल्यूशन, वो डाइल्यूशन हम शुगर पिल्स रहते हैं, शुगर के पिल्स रहते हैं, तो शुगर के पिल्स पे डाल के वो मेडिसिन हम डिस्पेंस कर देते हैं। ओके सर, सर और एक सवाल है, ये होम्योपैथी लेने के वक्त मैंने ऐसा सुना कि अपना मुंह एकदम पूरा क्लीन हो करना चाहिए, आप थोड़ा गाइडेंस दे क्या? हाँ, होम्योपैथी में कैसा होता है, देखो होम्योपैथी मेडिसिन अभी कैसे बनते हैं वो मैं बताता, समझो होम्योपैथी मेडिसिन एक सॉल्ट से बन रहे हैं, सॉल्ट यानी अपना नैट्रम्यूर बोलते हैं, जो कॉमन सॉल्ट जो हम इससे बनाते हैं, तो उससे हम मेडिसिन बना रहे हैं, ऐसा पकड़ के चलो, तो वो सॉल्ट में बनाया हुआ मेडिसिन 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट एडेड विद 99 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल और वाटर, ये पहला पोटेंसी होता है ये मेडिसिन का। फिर ये पहला पोटेंसी इतना डाइल्यूट करके उसमें उसका 1 ml 99 ml में एड 99 ml वाटर में ऐड करके पोटेंसी होता है, ऐसा है आइदर शुगर आइदर। सर वी आर नॉट एबल टू हियर यू सर, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। गोट मिल्क से मिलाया हुआ शुगर, हेलो, हाँ बीच में थोड़ा ये हो रहा है, एक मिनट। हाँ प्रभु सर, आप वीडियो बंद करके बोलेंगे तो आपका आवाज क्लियर आएगा सर, वीडियो बंद कर दीजिए और बोलिए। हेलो, हाँ सर आवाज आ रहा है, हेलो आ रहा है सर। हाँ हाँ, वो बीच में थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो डाइल्यूट प्रॉब्लम करके वो मेडिसिन बनाई जाती है। आप वीडियो बंद करके भी बोल सकते हो, आपका इजी हो जाएगा, वॉल्यूम क्लियर आएगा। ओके 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 ओके, हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ तो तो क्या होता है कि ये सब गोली डिसॉल्व करके उसके बाद उसका पोटेंसी बन जाता है, यानी 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी 12 पोटेंसी ऐसे पोटेंसी उसमें बन जाते हैं। तो ये, और दूसरी बात, जैसे
अभी समझो ये सॉल्ट का वही अब मैं आपको दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे सॉल्ट मैंने डायरेक्टली वो लेना चालू किया और मेरे ऊपर मैंने प्रूव करना चालू किया, यानी मैं सॉल्ट लेते बैठा और उससे मेरे पे क्या असर हो रहा है ये देखना चालू किया, तो उसके बाद जो सिम्टम आते हैं वो सिम्टम से जो सिम्टम मुझमें दिखेंगे, समझो मेरा मुंह खट्टा हो जाएगा, ज्यादा खट्टा खाने से मुझे एसिडिटी बढ़ सकती है, फिर हाइपरटेंशन हो सकता है, फिर मेरा हेडेक हो सकता है, तो ये ऐसे सिम्टम जिस लोगों में रहते हैं उसको ये मेडिसिन फिर दिया जाता है जो डाइल्यूटेड पोटेंसी में रहता है, यानी पोटेंटाइज फॉर्म में वो मेडिसिन दिया जाता है। हेलो सर, बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। अभी अभी ऐसे ये मेडिसिन दिए जाते हैं। और कोई ये है इसके रिलेटेड में आपको सवाल? हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो। हेलो, हाय, डॉक्टर जैन। हाँ बोलो। आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांटेड टू नो कि होम्योपैथिक मेडिसिन में मेटल्स भी रहते हैं क्या? हाँ, मेटल्स रहते हैं, मेटल्स भी रहते हैं होम्योपैथी में, लेकिन मेटल्स जो रहते हैं वो पोटेंटाइज, इतना पोटेंटाइजेशन रहता है उसमें, उसमें पोटेंटाइजेशन करके इतना रहता है कि समझो 30 ml में 30 पोटेंसी का, क्योंकि मेटल का जो होम्योपैथी में मेडिसिन रहता है वो लो पोटेंसी में नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है तो 30 पोटेंसी के ऊपर दिया जाता है, और समझो पकड़ के चलो कि 6 पोटेंसी में भी दिया तो 6 पोटेंसी यानी उसमें इतना रहता कि 1 ml में, हेलो, 1 ml इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1/100 raised to 6, यानी 100 के ऊपर 12 जीरो आएंगे, 100 के ऊपर 12 जीरो आएंगे, 1/1, यानी उसमें मेटल स्ट्रेसफुल ही रहेगा, स्ट्रेसफुल भी नहीं रहेगा, सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज जो है, उसके प्रॉपर्टीज यानी आदमी को क्या बोलते हैं, आदमी के ऊपर सिम्टम निर्माण करने के, यानी डिसीज प्रोड्यूसिंग जो उसका प्रॉपर्टी है वो उसमें आ जाएंगे, और वो मेडिसिन देने के बाद वो सिम्टम बॉडी से निकल जाएंगे। तो ऐसा होता है कि होम्योपैथी में मेटल मेटल रेमेडी दिया तो मेटल टॉक्सिकेशन का कोई भी ये नहीं रहता, मेटल टॉक्सिसिटी कभी नहीं रहती। अच्छा, so it is safe, you mean to say whatever matter it is safe. All right, yeah. Okay, thank you sir. Okay, hello sir, my name is Lakshman. My aunt got MND actually, it's 6 months back, she is 50 years old. Okay, so we tried several hospitals in Andhra Pradesh actually. I'm from Andhra. Okay. Yeah. So we tried several, different hospitals, but we want to go with homeopathy itself only. But she is able to walk, it's normal way. In the starting stage actually. Okay. So what will you suggest, sir, for that? See. What I have said you, that when we take a case of such a MND patient, we get some symptoms of that patient. Mainly the MND symptoms are the common symptoms. Either thumb is affected first, or first little finger is affected, or affected wrist joint, and after elbow joint or shoulder joint, like this, these are the symptoms. But the peculiarity of that patient is whether that patient is angry, whether that patient is have emotional
symptom or some some mental pathology behind his condition. That how is his personality or how is her personality, and that we try to treat that personality and that symptom. Commonly we choose the one medicine for that condition. So how will I meet you, sir? I have to come over there. It's like I have to pick my aunt to Goa. If you can visit here at Goa, then it is better. But nowadays this is a COVID situation, and I think if she have completed two vaccination of COVID, then you can come here also. But if there some problem, then we can chat with WhatsApp video, and we chat with that patient and her family. Okay. And we will try to give her treatment. Yeah, actually, I'm staying in Pune, sir. Actually, so yeah. I'm working here. So I'll pick to my aunt to Goa if it is necessary. I mean, otherwise I'll take in a WhatsApp meeting or Zoom meeting. What happened? Yeah. What happened? If the patient she's getting, is in front of us directly, if the patient is directly in front of us, then we can assess all the symptoms correctly, and we can assess her personality easily. On video call, some problem is there, that patient is not perfectly telling some thing, which doesn't get proper gesture of the patient on video chat. So if we come here directly and personally we meet her, so it is ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर हम भी उनको बता सकते हैं कि समझो ऐसा पकड़ के चलो कि उनके हाथ का अभी ये कम है, वीकनेस है, हाथ में वीकनेस है, ग्रिपिंग पावर जो ग्रिप का पावर है वो पावर हम एसेस कर सकते हैं, उसके अंगूठा हाथ में देके कैसे पकड़ के कितना पावर है करके देखो करके उनके रिलेटिव को हम यहाँ से बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि ऐसे करो, समझो डेविएशन ऑफ हाँ बोलो हाँ सर द प्रॉब्लम इज दैट एंकल जॉइंट्स समझो फुट ड्रॉप रहेगा समझो फुट ड्रॉप रहेगा तो फुट ड्रॉप में okay. वो कितना पाव उठा सकती है कितना उठा नहीं सकती है तो उसमें क्या देखना है क्या उसमें आपको आप यानी पेशेंट के जो अटेंडेंट रहते हैं उनको पेशेंट में जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट क्या देखनी है वो हम उनको यहाँ आने के बाद बता सकते हैं इसलिए डायरेक्टली पेशेंट को मिले तो ज्यादा बेहतर है लेकिन अभी के सिचुएशन में हम तो वीडियो चैट पे ही चला ले रहे हैं सर आई हैव वन क्वेश्चन हाँ Sir, I have a question. Just give me 1 second, madam. If you don't mind, just give me 1 second. I'll complete it. If you don't mind. Okay. Yeah. Thanks, ma'am. It's one more thing, sir. They don't know the. I mean, Hindi. I mean, they are from Andhra. So. Yeah. Basically, they will speak in local language, right? So it's a weekend. Okay. It but means someone Saturday should or Sunday. Be, someone should be who can translate in English or Hindi. So it's like it's a weekend. It's a working the hospital, sir. So Saturday and Sunday. No. I'm my clinic only. I'm taking patient at my clinic only. No. I'm asking. It's a weekend. I mean, Saturday, Sunday. It's a hospital is opening or it's like it's closing. The working hours. You call me and take prior appointment. So because I only take the patient with prior appointment only, and if we can adjust as per your time, if you are coming.
Again, I lost the voice. Okay, I will explain, sir. Don't worry, I will explain. हाँ, देखता हूँ, तो मैं ये clear कर. हाँ, sir. I'll call you separately, sir. Thank you for your advice, sir. Thank you so much. Dr. Prabhu, I have a question. Yeah, one second. I will explain. Let me explain to everyone. अगर आप गोवा जा सकते हो तो बहुत बेहतर है. आप दोनों कोविड के इंजेक्शन लगा के गोवा जाइए और डॉक्टर को मिल सकते हो. अगर आप नहीं जा सकते तो आप वीडियो कॉल कीजिए और वीडियो कॉल में हिंदी या इंग्लिश में डॉक्टर साहब से बात, पहले अपॉइंटमेंट लीजिए और वीडियो कॉल पे डॉक्टर साहब से, और हो सके तो डॉक्टर साहब को पहले पूरा एक वीडियो बना के भेज दीजिए और उसके बाद वीडियो कॉल पे डॉक्टर कंसल्टिंग करेंगे. एम आई राइट सर? हेलो सर. ठीक है पिनाकिन सर, इट्स दैट वाज गुड एक्चुअली. हेलो, वी विल ट्राई विद दैट. आई विल शेयर हिज नंबर इन द ग्रुप, डोंट वरी. ओके, हेलो. यस, श्योर सर, थैंक यू. डॉक्टर प्रभु बोलिए सर. हाँ, नहीं कुछ और कुछ ये है क्या? हाँ सर. सर स्मिता जी पूछिए. I wanted to know, sir, with regards to ALS treatment, do we also do the treatment of other medical conditions side by side? Can you hear me, sir? Hypertension, diabetes, and yeah. comorbidities. He's asking about comorbidities. Yeah, right. Yes, that's what my question is. Yeah, along with the MND. Or yes. Should we stop and go Hello? Only on homeopathy? एक मिनट डॉक्टर प्रभु, इनका सवाल है कि आप ALS MND के अलावा साइड बाय साइड दूसरे भी ट्रीटमेंट करते हैं सर? हाँ, दूसरे भी पेशेंट तो करते हैं ना. ये डायबिटीज, जैसे डायबिटीज आर्थराइटिस है और बाकी सब पेशेंट पे होम्योपैथी में ट्रीटमेंट तो सब ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि होम्योपैथी एक डिसीज लेके मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं देता है. मैंने पहले ही बताया ना कि एक पर्सनैलिटी पकड़ के देता है, जिस पर्सनैलिटी को ये डिसीज हुआ है तो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो पर्सनैलिटी को दिया जाता है, उस पर्सनैलिटी. सर इनका जानना ये है कि ALS पेशेंट को डायबिटीज भी है, हाई बीपी भी है, तो ALS एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरे पास जब ये पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो आते हैं ना जिनको डायबिटीज रहता है, तो जब हम मेडिसिन चालू करते हैं तो मेडिसिन चालू करने के पहले उनका फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर, दोनों शुगर का टेस्ट करके रखते हैं. यानी वो हम जीरो डे को पकड़ते हैं कि उनके जो डायबिटीज का गोली चालू है वो गोली पकड़ के उनका डायबिटीज कितना है, समझो 110 है, 130 है, तो हमारा मेडिसिन चालू होने के बाद वो कितना कम हो गया, क्या हो गया, ये भी हम एसेस करते हैं. अभी मेरे पास एक डायबिटीज का इसका माय हेलो ALS का MND का एक पेशेंट था, जिस पेशेंट को ये सब सिम्टम थे उसको चलने को ही नहीं होता था, नीचे से लोअर लिम, दोनों लोअर लिम उसके पैरालाइज कंडीशन में चले गए थे. हाथ अच्छे थे उसके, उसकी स्पीच अच्छी थी, लेकिन उसको डायबिटीज जो गोली चल रही थी उसको 3 रेजिमेन गोली का चालू था डायबिटीज, और ये करके भी उसको 280 तक शुगर था. जब हमने मेडिसिन स्टार्ट किया तो मैंने उसको पहले यही बताया कि आपका जब डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा तो ही आपको इसका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. जैसे होम्योपैथी का मेडिसिन चालू किया तो 6 महीने के बाद उसका डायबिटीज 140 तक आया, अभी 130 120 तक अभी आया है ये पिछले महीने में, और उसके बाद उसके पेंस कम हो गए, उसका चलने में वो अभी उठ के बैठ सकता है किसी को पकड़ के,
वो फिजियोथेरेपी के लिए अभी चालू किया हूँ। वो स्टेयरकेस पे स्टेयरकेस का साइड रेलिंग पकड़ के चढ़ सकता है, जो पहले नहीं चढ़ सकता था, लेकिन उसका जब डायबिटीज कंट्रोल हुआ तो ही ये पॉसिबल हो गया। क्योंकि पहले मालूम करो कि सादा फीवर आया, समझो एक सीधा फीवर है, तो फीवर को ट्रीटमेंट जो देती है वो उसको कुछ तो बहुत छोटा उसके पीछे कोई कॉज रहता है। लेकिन जब एमएनडी जैसे डिसीज, यानी जो इम्यूनोलॉजिकल रिलेटेड डिसीज बोलते हैं उसको, तो इम्यूनोलॉजिकल रिलेटेड जब डिसीज रहते हैं तो उसका पूरा लाइफ उसके पीछे चला जाता है, और उसके लाइफ में जो घटनाएं घड़ी है कोई उसका रिलेशन इस डिसीज के पीछे रहता है, और वो पकड़ के ही हम ट्रीटमेंट देते हैं करके जब। और डायबिटीज वैसा ही एक डिसीज है, जो डायबिटीज में हर ऑर्गन और हर सिस्टम बिगड़ जाती है, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे किडनी में प्रॉब्लम आ सकते हैं डायबिटीज के कारण, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, वैसे आते हैं। तो ये ऐसे जो डिसीज है इसको होम्योपैथी से ही ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। ओके ओके थैंक यू सर। अभी गौतम सॉरी बीबा जी, आप अनम्यूट करके पूछेंगे सर को। हाँ गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बोलो। मेरे हस्बैंड को एमएनडी है और अब वो बेड रिडन है, मतलब ही कैन नॉट मूव हिज लेग्स और हैंड या कुछ भी नहीं, और पिछले एक महीने से वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में मैं ला तो नहीं सकती, तो ऐसा कुछ है क्या? मैं कुछ होम्योपैथी वीडियो कॉल करके देख सकते हैं डॉक्टर साहब, हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन स्ट्राइक कर रहे हैं उनके ऊपर, तो क्या मैं आपको कुछ नेम्स बताऊं होम्योपैथी मेडिसिन के, शुड बी कंटिन्यू और शुड बी डिसकंटिन्यू? नहीं वो उनको मैं देखूंगा, उनको मैं पहले देखूंगा उनके सिम्टम्स क्या है वो मुझे बताओ, और उनको जो मेडिसिन दिए है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर उनमें से ही कोई मेडिसिन उनको लग रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि यही मेडिसिन कंटिन्यू करो, क्योंकि उस मेडिसिन से उनको कुछ अच्छा समझो, थोड़ा थोड़ा भी सिम्टम चेंज आ रहे हैं तो वही मेडिसिन कंटिन्यू करो। क्योंकि एक देखो कि होम्योपैथ प्रैक्टिस करने वाला कभी कभी उस में मेडिसिन देने के लिए कभी कभी चेंज हो सकते हैं, यानी आपके पेशेंट के सामने समझो, आपके पेशेंट के ही सामने समझो पांच होम्योपैथ बैठ गए एक ही टाइम, और आपने बताया कि हमारा ऐसा ऐसा केस है, तो मैं एक तरह से बोलूंगा आपसे आपके पास, और हर पांच लोगों का परसेप्शन आपके पेशेंट के बारे में कुछ अलग अलग रह सकती है, तो उनके लिए पांच लोग पांच मेडिसिन दे सकते हैं, पहला ए दे सकता है, बी दे सकता है, सी डी ई, समझो आपके पेशेंट को ई मेडिसिन परफेक्टली फिट है तो उसको यही मेडिसिन से अच्छा लगेगा, एबीसीडी का कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब ए अच्छा रहेगा तो ए अच्छा रह सकता है, क्योंकि क्योंकि डिटरियरेशन तो हो ही रहा है ना सर। हेलो, डिटरियरेशन तो हो ही रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि कोई दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ, यानी वो मेडिसिन उनको चल नहीं रहा है, वो मेडिसिन उनको लगता नहीं है, ऐसा है। मैं एक आपको उदाहरण करके पांच मेडिसिन बोला, लेकिन क्या है अभी होम्योपैथी में अच्छा है करके होम्योपैथी डॉक्टर के पास बहुत लोग जाते हैं। कई होम्योपैथ क्या करते हैं कि कॉमनली रेमेडी, यानी 100 पेशेंट समझो उनके पास ALS के है तो उनको पांच मेडिसिन से कोई पांच मेडिसिन दे के कोई पांच पेशेंट अच्छे हुए हैं तो वही पांच मेडिसिन वो बाकी के सब 100 पेशेंट के ऊपर दे बैठते हैं, लेकिन उससे उनको फायदा होता ही नहीं है। फायदा वही मेडिसिन से होगा जो मेडिसिन उनके लिए फिट है, उनके पर्सनैलिटी के लिए फिट है। अच्छा। हेलो, तो अभी अभी जो मैं दवा दे रही हूँ उनको वो अभी चालू रखती हूँ, फिर आपसे व्हाट्सएप करके कॉल करके और बात करके आप एक बात और सर, आपका पेशेंट का नाम भी बता दें, नाम डाल के मुझे मेरे फोन पे चैट लिखो, मैसेज लिखो, और वो सब
लिख के उनको क्या क्या है करके पहले लिख दो, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपको एक टाइम दे दूंगा और उस टाइम से हम आपके साथ कॉल करेंगे और वीडियो कॉल करके उसके जरिए हम आपको एडवाइस करेंगे। सर वो बोल तो पाएंगे नहीं, बोलना तो मुझे ही है। नहीं, वो ठीक है ना, वो नहीं बोल पाएंगे तो आप तो उनके बारे में कुछ ना कुछ तो बता सकते हैं। हाँ बताऊँ विभा जी, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे आवाज कम आ रही है मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, yes, yes, we can hear you। विभा जी इसका ये है कि मतलब बहुत होम्योपैथी में बहुत अलग अलग होता है और डॉक्टर कैसे समझते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। वो पोटेंस ही यूज करते हैं, अलग अलग दवाइयाँ ट्राई करते हैं। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लीजिए और एक बार उनके कंसल्टिंग कीजिए। और हाँ, करती हूँ। हमारे ग्रुप में कौशिक को ठीक है भाई, लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने को पेशेंट होना बहुत जरूरी है। उनको डाइट सर हमारे पास ऑप्शन क्या है, पेशेंस तो रखना ही होगा ना। नहीं हमारे पास ऑप्शन बहुत है। नहीं, 2.5-3 साल हुआ अभी भी वो लकड़ी लेके चल रहे हैं और कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं। लेकिन यू नीड टू हैव ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीव इन व्हाटएवर ट्रीटमेंट यू डू। सर 2-2.5 years हुआ मेरे हस्बैंड को एंड ही इज कम्प्लीटली बेडरिडन, नो वॉइस। हेलो, तो ये तो प्रोग्रेस बहुत फास्ट कहेंगे ना। विभाजी आप उनकी तरफ से आप बोल सकते हो डॉक्टर को, आप जब भी डॉक्टर आपको ऑफ कोर्स तभी आप उनके साथ पूरा डिटेल में समझा सकते हो। बताऊंगी भाई, थोड़ा आप उनसे ना पेमेंट का तरीका भी बता पूछ लो ना। Yes. How do we make the payments and all? Yeah, वो online वो आपको बता देंगे online कैसे करना है payment। हाँ 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 okay। Don't worry, I will share all the details by tonight। And how will we get the medicines, courier से या कैसे? वो courier करते हैं। या courier से। I have another sir, question sir। Thank you। बोलिए स्मिता जी। Hello, I wanted to know, ask sir, that you know, once we start the medication, how soon you start seeing the improvement? Four years. 4 years. Sir, 4 साल है हमारे पास। नहीं मैम, मैं मजाक। अरे पिनाकिन भाई, उनको डराओ मत। अरे कुछ भी please। ha doctor see, in my husband's case no we started seeing the this difference after 3 months। okay that's reasonable। yeah but that's reasonable। ha sunne ko nahi aa raha सर। सर वो पूछ रहे हैं कि कितने टाइम में उनको सर दिखना शुरू होगा, कितने महीने में? अभी देखो, मैंने वही बोला कि पेशेंट देखने के बाद पेशेंट के और भी कोई सिम्टम रहते हैं, जैसे उसको हेडेक रहता है, उसको कोई एसिडिटी रहता है, उसको कोई क्रैम्प्स रहते हैं, उसको बॉडी में कोई ट्विचिंग रहते हैं जो हर दिन के लिए रहते हैं, और उसमें कुछ कम हो रहा है, वो हम देख के पता चल सकेगा कि मेडिसिन परफेक्ट है या मेडिसिन चेंज करना है। तो इसमें शायद 1-2 महीना जा सकता है, 4 महीने भी जा सकते हैं। समझो डायबिटीज है तो डायबिटीज कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, मेडिसिन का पोटेंसी कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये समझ में आने के लिए कम से कम 1-2 महीने 4 महीने तक लग सकता है। उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये कैसे कैसे ये हो सकता है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट जो रहती है वो 1% रहती है, 2% रहती है, 4% रहती है। वो एसेस पेशेंट को करना है और पेशेंट के रिलेटिव को करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को, रिलेटिव को कभी कभी ये एसेसमेंट नहीं समझ में आती है, इसलिए हम पर्सनली जब उनको मिलते हैं तो हम बोलते हैं ना
ये ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, अभी ये ऐसा करे। जैसा अभी पकड़ के चलो कि अभी एक किसी पेशेंट ने मुझे बताया कि उनको खाने में तकलीफ थी, यानी खाने में टाइम लगता था, खाना खाने में टाइम लगता था, जो खाना कोई भी जो खाना खाने के लिए उनको एक आधा घंटा लगता था, तो अभी उनको एक 20 मिनट में उनका खाना खत्म हो रहा है, यानी उनको निगलने में जो स्वॉलोइंग में जो प्रॉब्लम थी वो अभी कम होने लगी, लेकिन उसको भी 2 महीना लग गया। तो हमें मालूम पड़ा कि नहीं, ये मेडिसिन परफेक्ट है, अभी मेडिसिन का पोटेंसी का सेटिंग उनके साथ करना है, जिससे उसका जो ये ऐसा बोलने को कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को हमको ये मेडिसिन का फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना है, उतना ही रह गया। तो एसेसमेंट ज्यादा जरूरी है, और वो एसेसमेंट हम बताएंगे उस पेशेंट को, यानी पेशेंट के अटेंडेंट को। थैंक यू सर। स्मिता जी आपका क्वेश्चन हो गया ना? यस थैंक्स। या थैंक यू सर। अभी एक मिनट बोलिए। जैसे मैं अपने हस्बैंड के बारे में ही बताना चाहूंगी कि उनका वो भी कम्प्लीटली बेड रिडन थे, और अभी जो सर ने असेसमेंट के बारे में बताया, तो वो जो असेसमेंट उनके आने के बाद हम लोगों को 1-2 महीने में समझ में आने लगा कि ओके, ये ऐसा असेसमेंट करना है कि भाई 1 सेंटीमीटर भी वो उंगली हिलने लगी है, जो कम्प्लीटली फ्रीज हो गए थे उनके पैर, उसकी एक उंगली जो हिल रही थी 1 सेंटीमीटर, तो वो भी एक्चुअली ये था कि उनका वो अभी उनमें सुधार होने की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आया था जब तक डॉक्टर ने खुद नहीं देखा था। तो बहुत माइन्यूट चीजें रहती है जो हम लोगों को देखनी पड़ती है कि हाँ भाई ये अभी ये दवाई का असर होना शुरू हो गया है। थैंक यू। दैट्स राइट। थैंक यू। या ओके सर। एक गौतम करके हैं, मेरे बड़े भाई जैसा है गौतम, उनका एक सवाल है, Does homeopathy medicine need to change a diet, not have lemon? मतलब diet में कुछ change जरूरी है और नींबू अलावा बंद करना होता है homeopathy में? नहीं नहीं नहीं, homeopathy में क्या रहता है, strong smells वाले जो कोई चीजें है वो body से ज्यादा नजदीक नहीं लाना चाहिए। फिर strong odor वाले जो चीजें है, जैसे onion है, garlic है, वो रॉ नहीं खाना। और कॉफी जो है, कॉफी वो होम्योपैथी का मेडिसिन कभी कभी एंटीडोट करता है, कोई कोई मेडिसिन को एंटीडोट करता है करके हम यूनिवर्सली बोल देते हैं कि रॉ ओनियन, रॉ गार्लिक और कॉफी ये आप मत लो। दूसरी बात यह है कि मेडिसिन लेने के जो टाइम हम देते हैं वो एडजस्टमेंट जैसे देते हैं, लेकिन जो समझो पेशेंट ने तय कर दिया कि मैं 9 बजे मेडिसिन ले लूंगा, मेडिसिन का डोज होम्योपैथी का, तो पकड़ के चलो कि पहले आधे घंटे यानी 8:30 के पहले कुछ तो खा जाए, और 8:30 से 9 तक कुछ न खाए, यानी एम्प्टी स्टमक रहे, फिर मेडिसिन लिए लेने के बाद और एक आधा या एक घंटा कुछ मत खाए। और ज्यादातर जो बिवरेज जैसे बोलते हैं, जैसे चाय है, टोबैको है, ये जो चीजें हैं वो मेडिसिन के बाजू में 1 घंटा मत ले। ओके पिनाकिन भाई, ये इन्होंने बताया वो दूध जो हम कहते हैं दूध नहीं लेंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, तो क्या होम्योपैथी में भी ये डाइट का रिस्ट्रिक्शन नहीं, 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 ऐसा नहीं है, दूध ले सकते हैं ना? हाँ दूध ले सकते हैं। और नॉर्मल डाइट जो दाल चावल रोटी ये सब खा सकते हैं ना? नॉर्मल डाइट भी लेना चाहिए, और नॉर्मल डाइट लेने के टाइम नहीं नहीं, जैसे क्या रहता है कि रागी किनोआ ये सब, ये केसेस में ज्यादातर मसल वेस्टिंग चालू होता है, तो मसल वेस्टिंग, मसल में ज्यादा तो आदमी का प्रोटीन रहता है, प्रोटीन से मसल बनते हैं, तो प्रोटीन के लिए आप समझो वेज प्रोटीन ज्यादा ले लें, एनिमल प्रोटीन के बजाय आप वेज प्रोटीन, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो रहती है वो डाइजेस्ट करने के लिए
थोड़ा तकलीफ मन रहती है, और वेज प्रोटीन जैसे सीरियल्स है, दाल है, ग्राम है, ये सब जो है वो हजम करने के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। और उसमें भी ज्यादातर पेशेंट ने समझो मूंग दाल जो बोलते हैं, मूंग दाल बोलते हैं, तो मूंग दाल जो है वो बहुत अच्छी है इसके लिए। और डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं करना है ना, जैसे नहीं ज्यादा चावल खा सकते हैं या गेहूं की रोटी खा चावल सकते खा हैं? सकते हैं गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी इन लोगों को कहा गया है कि नहीं आप रागी, ज्वार, बाजरा, हाँ, लेकिन ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैं बताता हूँ आपको। जनरलाइज स्टेटमेंट ऐसा है, ऐसा बोला जाता है, यानी इंडियन ग्रामीण रूरल एरिया में बहुत जगह में ऐसा बोला जाता है कि जितने डिसीज है वो एरिया में, जितने डिसीज है उस एरिया में उसका मेडिसिन रहता है, ऐसा बोला जाता है। यानी हर्बल मेडिसिन वाले लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी कैसा है, यानी हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि हैबिटेट बोलते हैं, होम्यो किसी भी मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में भी जब हम मेडिसिन का ये करते हैं तो समझो काला आजार है, काला आजार ज्यादातर बंगाल एरिया में दिखता है, मलेरिया मार्शी एरिया में दिखता है, तो ऐसे जो डिसीज रहता है तो कभी कभी कहाँ कहाँ कुछ कुछ एरिया में दिखते हैं। वैसे भी हर आदमी जहाँ पला, यानी जहाँ वो ग्रोनअप हो गया, जहाँ उसका जन्म हो गया, जहाँ से उसका हैबिटेट है उस आदमी का, यानी पंजाबी लोग है तो पंजाब का उनका हैबिटेट है, कोकण से रहेगा तो कोकण में है, महाराष्ट्रियन लोगों का महाराष्ट्रियन में है, आंध्रा का आंध्रा में है, तो उस जगह में खाना ज्यादा कौन सा खाया जाता है, उधर कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्रॉप कौन से क्रॉप ज्यादा आते हैं, परंपरा से आते हैं वो क्रॉप ज्यादा खानी चाहिए, परंपरा से आते हैं वो, नहीं तो ऐसा बोला जाएगा कि अभी महाराष्ट्र में सोयाबीन भी लिया जाता है, लेकिन सोयाबीन ये इंडियन कल्चर का क्रॉप नहीं है, तो वो क्रॉप के बहुत जो अभी ये मिल रहे हैं साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, अभी अभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं सोयाबीन अच्छा नहीं है, सोयाबीन अच्छा नहीं है, सोयाबीन प्रोटीन के लिए अच्छा करके अभी तक मार्केट में चल रहा था, लेकिन अभी सोयाबीन में कुछ प्रॉब्लम है करके अभी स्टडीज बाहर आ रहे हैं, ऐसे है। तो इसलिए जो आदमी, जैसे आप आंध्रा में रहती है तो आंध्रा का फूड स्टाइल कौन सा है, वो फूड स्टाइल उसके लिए ज्यादा अच्छा है, वो फूड स्टाइल में आप प्रोटीन कौन सी तरह से ले रहे हैं वो प्रोटीन आपने लेना चाहिए। अच्छा, मैं बिहार से हूँ। हाँ हेलो, मैं बिहार से हूँ और यहाँ गेहूं और चावल ही ज्यादा खाया जाता है। हाँ तो वही खाओ ना। नहीं, पर हमारे ग्रुप में लोग बोलते हैं रागी खाओ और बाजरा खाओ और ये गेहूं ना खाओ। वो वहाँ बाजरी हो रही है क्या बिहार में? क्या क्रॉप आती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यानी क्या देखो, ये जो स्टडी है बाजरी खाओ ये मॉडर्न मेडिसिन ने तैयार किया, यानी उन्होंने ऐसा निकाला कि बाजरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ज्वारी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, चावल राइस बोलते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, उस हिसाब से वो बोलते हैं, वो जनरलाइज बोलते हैं। लेकिन जो आदमी जहां रहता है, समझो ऐसा पकड़ के चलो कि आंध्रा का आदमी या तमिलनाडु का आदमी गेहूं खाएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ सकते हैं, उस गेहूं से आ सकते हैं, क्योंकि अच्छा। गेहूं से मिलने वाला जो ग्लूकोज है, गेहूं में मिलने वाला ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वो हजम करने के लिए उसका क्रोमोसोमल बॉडी, जो क्रोमोसोमल बॉडी बोलते हैं, वो तैयार नहीं रहता है, क्योंकि परंपरा से वो आदमी उधर पला है, उधर जिया है, उसके माँ बाप पूरे उधर ही जिए है, तो हेरिडेटरी उसको वो राइस ही खा सकता है, यानी इडली,
डोसा ऐसे खा सकते हैं। अच्छा, अच्छा, इडली और डोसा समझो पंजाब के लोगों ने खाना चालू किया तो उसको गैसेस का प्रॉब्लम आ सकता है। या मुझे समझ आ रहा है अब, हाँ, जो हाँ, लोकल फूड है वो ही खाने के लिए ज्यादातर। I also wanted to say, I think, because with ALS, there are different causes, like people have gut issues or a history of trauma. And because of those things, if somebody has a gut issue, then those things can be inflammatory to the gut, gluten. Hello. Gut inflammation related to someone. I'm just saying, doing a comment on it कि जिन लोगों को गट का इश्यू है because of ALS, उनके लिए ग्लूटेन और कुछ ग्रेन्स इन्फ्लेमेटरी होते हैं तो इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि it should be avoided. So it all depends person to person. जिस पेशेंट में ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं तो उनको वो अवॉइड करना ही चाहिए. Absolutely. उनको अवॉइड करना yeah. चाहिए. Yes, उनको वैसे प्रॉब्लम समझो है पकड़ के चलो, यानी sure. किसी आदमी को मिल्क वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, मिल्क खाया तो उसको लूज मोशन चालू होते हैं, किसी को वोमिटिंग हो जाता है मिल्क लेने से, तो वो समझो होम्योपैथ को आपने बोल दिया, आपने बोला कि नहीं गेहूं उनको हजम नहीं हो रहा है, गेहूं खाने से उसको एसिडिटी बढ़ती है, ऐसे भी लोग हमने देखे है, लेकिन ये जो सिम्टम है ये सिम्टम हम होम्योपैथी में सिम्टम करके पकड़ते हैं होम्योपैथी में, और उसको उसके ऊपर मेडिसिन देना ट्राई करते हैं। सर मैं थोड़ा समझाता हूँ विभाजी। हेलो एक मिनट विभाजी, एक्चुअली मैं ना हीलिंग एलएस से जुड़ा हुआ हूँ, वहां पे 1000 से 1500 लोगों का रिव्यू देखे हम ये ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री बताते हैं, लेकिन मैंने मीटिंग में बताया कि मैं ग्लूटेन भी खाता हूँ कभी कभार और दूध भी पीता हूँ, क्योंकि मुझे दूध से कोई तकलीफ नहीं होती और गेहूं भी कभी कभार खाता हूँ, तो ये बहुत ये रीजनल इश्यू है और इट इज स्पेसिफिक विद एमएनडीएस। हेलो, नहीं कॉन्स्टिपेशन तो सभी को है ना करीब करीब, एवरी नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉज अभी प्लान अकॉर्डिंगली। हेलो बोलिए सर। हाँ कॉन्स्टिपेशन जो एएलएस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहता है उसका कारण दो तरह के रह सकते हैं, उसका पहले ही कॉन्स्टिपेशन किसी पेशेंट को बचपन से कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट रहता है उसको हार्ट स्टोन रहते हैं ऐसा हो सकता है, और ALS पेशेंट में ALS होने के बाद कॉन्स्टिपेशन चालू हुआ है समझो, तो इट इज अ वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल मसल, इट इज अ वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल मसल, इट इज नॉट ड्यू टू सम फूड और सम साइड इफेक्ट ऑफ दैट फूड, इट इज अ वीकनेस ऑफ दैट इंटेस्टाइनल मसल, सो इट कैन peristaltic movement of that intestine, large intestine and small intestine get hampered, and so three days ke baad unko toilet pass hota hai. Okay. Hello. Usha ma'am, aap unmute kijiye Usha. Hello. Awaaz nahi aa raha. सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो सर, अभी आवाज आ रही है सर, एकदम बारीक आ रही है। हेलो सर, मत सर नेटवर्क चा काही इश्यू असेल तेवढं बघून घ्या प्लीज, कारण माझा आवाज येतोय तुम्हाला, माझा आवाज येतोय तुम्हाला, अगदी बारीक येतोय, अगदी बारीक नाही, मग तो नेटवर्क इश्यू आहे। हॅलो इधर बारिश आ रहे है थोड़ा इसलिए। सर हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सुनाई देता है अभी? हाँ बोलो। हाँ मुझे ये हिंज में वीकनेस का प्रॉब्लम तो अभी हुआ,
दो तीन साल से, लेकिन उसके पहले 10-12 साल से मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो मेरा तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो पार्ट पे समझो मुझे थम के ऊपर 15 दिन महीना क्या करेंगे मैडम, हम क्या करेंगे, पहला एक हम वीडियो चैट करेंगे, वीडियो कॉल करके हम बातचीत करेंगे, और जरूरत पड़े तो मैं आपको बुला लूंगा। ओके ओके वेरी गुड, ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू उषा जी। मोनिका जी अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी अनम्यूट कीजिए। मोनिका वर्मा मोनिका जी अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी She already raised her hands. Yeah. और किसी को question है आप raise कर सकते हो। You can raise your hand if anybody has a question. Dr. Prabhu, मुझे जानना था होम्योपैथी में साइड इफेक्ट होते हैं सर? साइड इफेक्ट नहीं, आवाज नहीं आया आपका सर। ये होम्योपैथी दवाई लेने के बाद साइड इफेक्ट होते हैं? साइड इफेक्ट हेलो हेलो No, he is not able to hear anyone. No, we have tremendous raining over here right now in Goa. We are facing tremendous raining. That's why the network issue is he must be facing this network issue. Okay. Priya ji, maybe he can go near the Wi-Fi where the network is proper. अरे नहीं, उनका वो BSNL का है ना, तो वो बारिश के बाद तो वो पंगा होता ही है। Always government employees using the हमारे पिनाकी सर एक मिनट हेलो डॉक्टर प्रभु आपको हेलो आ रही है सर? हेलो नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है, एकदम आवाज कम है सर। तुम्ही एकदा लॉग आउट करून लॉग इन करा, परत करून बघतो, परत करून बघतो। हां, लॉग आउट करा आणि परत लॉग इन करा। ओके बोलो उषाबेन, बोलो। ના ના, આમાં મેસેજ લખી નાખો ને તો, કારણ કે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, મારે પણ એ જ પૂછવું હતું, કારણ કે મને પોતાને હોમિયોપેથી દવાઓના રિએક્શન આવ્યા છે, એટલે ઓકે મેમ જો ડોન્ટ વરી, ઓકે એટલે મેસેજ લખશો ને તો વી કેન રીડ। नहीं, एमने मोबाइल दूर जे मैम, ये मैसेज नहीं रीड कर सके, मैं पहला ट्राई करूं मैम। हां हां अच्छा अच्छा। अरे पिनाकी जी उनको बोलते हैं कि वो मैसेज रीड करे, उनको अगर आवाज नहीं आ रही है वो शायद रीड ही नहीं कर रहे हैं मैसेज, तो स्पेसिफिकली बताते हैं कि आप बताइए करो। फोन करके बताऊं क्या उनको? You have to tell him, at least he will come to know actually. That is good. Let him log in again, let him join the meeting again. If he faces the same problem, I will call him and I will tell him that. Yes. That would be great actually. Because we are able to hear him, no, properly. Yes. The problem is from his side. Pinakin bhai. Haan bolo. Kitla patient che Bombay ma tamara orkhand ma, kitla group ma? બોમ્બે માં કેટલા પેશન્ટ છે? Anyone from Mumbai? Sorry, Pune.
anyone from Pune, sir? Anybody in this meeting? From Pune, I think Mr. Javalkar is there from Pune. Javalkar. I don't think he's right now online, but we have people right now from Nepal, from all over India, and from UK. Everybody is connected. Okay. Great, sir. Sir, please share this video and the contact number of Prabhu, sir, as well. Yeah, don't forget this one, sir. Tonight I will share this. I will share this video within a few days because I have to do edit, a lot of work I have to do. But the contact number and all that I will share in the group. Great, sir. Yeah. हेलो एवरीवन. हेलो बोलिए रेनू जी बोलिए. हाँ पिनाकिन भाई, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ढाई महीने से डॉक्टर प्रभु से ट्रीटमेंट ले रही हूँ. वो वीडियो वीडियो कॉल करके सिम्टम्स वगैरह उन्होंने वॉच किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद वहाँ से वो मेडिसिन कुरियर किया. कुछ मेडिसिन उन्होंने मुझे बताया जो मैं लोकली खरीद के दे रही हूँ. Since 2.5 months. Okay. तो टाइम में महीने में अभी थोड़ा कुछ फर्क तो लगा होगा ना? थोड़ा बहुत एपेटाइट इनका इंक्रीज हुआ, भूख एकदम कम हो गई थी, जो थोड़ा बहुत इनकी एपेटाइट अब बढ़ गई है, इतना तो जरूर मैंने डिफरेंस फील किया. बाकी ट्विचिंग और शुगर और बाकी सिम्टम्स में इन्होंने कहा अभी कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. ओके. आप उनकी उम्र क्या है मैम? 53 इयर्स. ओके ओके ओके. डॉक्टर प्रभु, आप अनम्यूट करेंगे सर? कैन यू अनम्यूट? हाँ हेलो. ओके सर, एक जनरल क्वेश्चन है. होम्योपैथी का साइड इफेक्ट होता है सर? होम्योपैथी का साइड इफेक्ट? होम्योपैथी का साइड इफेक्ट कभी नहीं रहता है, और समझो कभी रह गया, कभी रह गया तो कैसे रहता है कि समझो हमने मेडिसिन दिया और उसका ज्यादा डोज गया, ज्यादा डोज यानी दो डोज बोला था, तीन डोज गया, चार डोज गया, तो कभी कभी थोड़ा बहुत सिम्टम ज्यादा बढ़ सकती है, थोड़ा बढ़ सकती है, फिर मेडिसिन बंद करने के बाद वो रिवर्सिबल रहती है. इरिवर्सिबल चेंजेस कभी नहीं आते, जैसे एलोपैथी के मेडिसिन के है, जैसे लीवर का कोई प्रॉब्लम आ गया तो मेडिसिन बंद करने के बाद भी वो वैसा ही रहता है, ऐसा होम्योपैथी में कभी नहीं देता. ओके ओके, थैंक यू सर. और प्रिया जी, आपने कितना टाइम तक सर का मेडिसिन लिया कौशिक जी ने? अभी 3 इयर्स हो गए एंड ही इज नाउ गोइंग टू स्टॉप द मेडिसिंस फॉर हिम बिकॉज ही थिंक्स दैट ही नो लॉन्गर नीडेड नाउ. ओके ओके. तो डॉक्टर प्रभु, आप थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे सर? ओके ओके. एंड आल्सो बोलिए स्मिता जी बोलिए. आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम प्रिया फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, यू नो व्हाट वाज द वर्स्ट सिम्टम्स ही हैड एंड हाउ मच बेटर इज ही. स्मिता जी, मेरे हस्बैंड का जो एमएनडी है वो उनके पांव से शुरू हुआ था. फर्स्ट मतलब उनके वो पांव बिल्कुल मतलब पहले लेफ्ट देन राइट और बाद में वो पूरा ऊपर तक आ गया था. उनके हाथ भी अफेक्ट हो गए थे, वो कम्प्लीटली मतलब मसल एट्रोफी जो बोलते हैं हम लोग वैसे ही हो गया था, वो एक चम्मच भी नहीं खाते थे. आई यूज टू डू ऑल द थिंग्स फॉर हिम, ही वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन एंड ओके. सो उनकी जो उंगलियां थी ना वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी, पांव की जो उंगलियां थी वो. ओके. तो
पहला जो सिम्टम हम लोगों को पॉजिटिव दिखा वो पैरों की उंगलियों में ही था कि वो 1 सेंटीमीटर हिल रही थी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया था. ओके, व्हाट अबाउट स्पीच एंड स्वॉलोइंग, वो ठीक था? सॉरी मेरे को एक बीच में ही कॉल आ गया था, मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया, फिर से पूछेंगे प्लीज. स्पीच एंड स्वॉलोइंग, स्पीच एंड स्वॉलोइंग में कुछ नहीं था. मुझे एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एलोपैथी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये पूरी लाइफ टाइम व्हीलचेयर पे रहेगा. ही विल बी लाइक दैट ओनली. ये अप्रैल 2018 में बोला था मुझे. एंड नाउ ये कॉलेज में प्रोफेसर है, वो खुद वहां जाते हैं, डेली 2 लेक्चर्स लेते हैं. वाओ, थैंक्स टू डॉक्टर प्रभु एंड थैंक्स टू यू डेफिनेटली, थैंक यू सपोर्ट हिम. ओके, ओनली यू हैव टू हैव पेशेंस, इट इज नॉट लाइक अ मैजिक वॉन्ड. ट्रू. ओके, मोनिका जी आपको कोई क्वेश्चन है? मोनिका जी मुझे पूछना है एक क्वेश्चन डॉक्टर प्रभु से. बोलो बोलो. एक मिनट सर. बोलो. पिनाकिन जी मैं बोल सकती हूँ क्या? मोनिका वर्मा. हेलो मोनिका जी, पूछिए आपका क्वेश्चन. जी मैं डॉक्टर प्रभु से पूछना चाह रही हूँ. नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? बोलो बोलो. जी मेरे फादर एमएनडी पेशेंट हैं. हाँ? मगर देखिए वो चल एमएनडी पेशेंट है मेरे फादर. हाँ? एज है 69. ओके. उनका आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चल रहा है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी चल रहा है चंडीगढ़ से. परंतु इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज्यादा है. हाँ? कभी रोने लग जाएंगे, कभी एक्सट्रीम गुस्सा करेंगे. बराबर जी. हाँ? तो समझ में नहीं आता. यही पकड़ के उनको मेडिसिन देना चाहिए. यही पकड़ के उनको मेडिसिन देना चाहिए. और ये मेडिसिन जब उनको जाएगा ना तो उनको रिजल्ट मिल सकते हैं. लेकिन उसका कॉज क्या है, उनका ऐसे जो बिहेवियर चेंज हो गया है उसके पीछे कुछ तो उसका कोई कारण रहेगा. वो शायद वो कारण उसके हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण है. जी कारण समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कारण है. ये अभी हुआ लगभग 1 महीने से इमोशनल ट्रॉमा ज्यादा है. हाँ, लेकिन क्या होता है देखो, फैमिली में कोई उनसे कोई कुछ बोला है, उसका एक स्वभाव रहता है ना कि उसका उसको छोटे छोटे बातों से अपमान इंडिग्नेशन लग सकता है. उसको कोई मन में मन कोई खाता है. कभी कभी किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, घर में बहुत लोग रहते हैं लेकिन उसको लगता है कि वो अकेला है. तो वो जो जी नहीं उनके पास तो हमेशा ही हम चारों पांचों लोग रहते हैं. नहीं नहीं रहते हैं बराबर, वो बात नहीं. मैं आपको एग्जांपल जैसे बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल बोल रहा हूँ. मैं ऐसे वो पिक्चर नहीं बोल रहा. वो ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है. और वो दे सकते हैं या तो आप दे सकते हैं. उसके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो इंसिडेंस उसको ये तरफ ले सकता है, उसके साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी. जी जी जी. मैं आपको वीडियो कॉल पे कभी उनको दिखाऊंगी जी. बाकी तो सब ठीक है, उनका खाना भी ठीक है, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है. कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है. चलते फिरते भी हैं, खूब चलते फिरते हैं, गिरते भी हैं पर फिर भी चलते रहते हैं. ओके ठीक है. मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगी. हम लोग जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर प्रभु के उनके क्लिनिक में गए थे तो उन्होंने जो हिस्ट्री पूछी थी मेरे हस्बैंड की, तो उन्होंने एकदम से पकड़ लिया था कि इनको धूप में जाने के बाद सर्दी हो जाती है, ये इन्होंने पकड़ लिया था. तो ये सारी हिस्ट्री ना छोटी छोटी बहुत मायने रखती है, जो अभी सर इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहे थे ना हम लोगों को कि कैसे हिस्ट्री ये करनी चाहिए. तो ये बात हम लोगों की ध्यान में नहीं थी लेकिन सर ने पकड़ ली थी. जी. If you don't mind, ma'am, can I see the person who had that? You want to see my husband?
Yes, yes. If you don't mind, I mean. But एक सिर्फ इतना है कि अभी हम लोग घर में अभी वो रहते हैं. Okay. Sorry for that. I don't mind showing him. I don't mind showing him. Wait, I will charge 1 lakh rupees for to show Kaushik. अरे नहीं 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 नहीं. अरे मजाक कर रहा हूँ. Hi Kaushik, how are you? ये यूज कर लेंगे ना दूसरा क्या होता है ना क्या होता है ना मैं जाती हूँ दुकान पे. Hi sir. Hi sir. It's very nice to see you, sir. And Kaushik ji, आपको डॉक्टर प्रभु की दवाई से कैसे कितना फर्क पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा 80% फर्क पड़ा. ये भी मेरे को पढ़ने को नहीं आ रहा था ठीक से. थैंक यू सो मच सर. मैं सोचता हूँ आपके कॉलेज में एडमिशन ले लूं. फिजिक्स समझ में आता है क्या? फिजिक्स समझ में आता है क्या? पिनाकिन सर, यू हैव टू टेक द एडमिशन सर, श्योरली. या या, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन गोवा. मैं अभी राइट नाउ आई एम स्वीट 16 एज पर एवरीवन. नहीं, लेकिन सीखने के लिए कोई आयु की जरूरत नहीं रहती है ना. ज्योति मैम, आप अनम्यूट कीजिए. ज्योति मैम, आपका क्वेश्चन पूछिए. नमस्ते प्रभु सर, कैसे हो आप? बोलो बोलो बोलो. मेरे को ये पूछना था कि बाय एंड लार्ज ALS का मेडिसिन सेम होता है या हर पेशेंट का अलग अलग होता है? हर पेशेंट का अलग. ओके. होम्योपैथी में हर पेशेंट का अलग अलग रहता है. उस पेशेंट के सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, वो पकड़ के मेडिसिन देते हैं. लेकिन इसलिए समझो 100 पेशेंट सामने आए तो 100 पेशेंट का 100 मेडिसिन अलग अलग रह सकता है. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू. ओके, थैंक यू मैम. भगवान सर, भगवान आप अनम्यूट कीजिए सर. यस सर. यस डॉक्टर. हेलो. वो जेनेटिक प्रॉब्लम या सर? नमस्ते. हाँ बोलो बोलो बोलो. इंडी का जेनेटिकल प्रॉब्लम या ऐसा हो सकता है? वो जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा डिफिकल्ट रहता है. जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है तो डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उसमें कहीं फीसदी हम ये मिला सकते हैं. कोई परसेंटेज में उसको रिजल्ट दे सकते हैं. मेरे घर में कोई जेनेटिकल कोई नहीं है, लेकिन मेरे को MND हो गया. हाँ हाँ. लेकिन आपके बाकी के सब सिम्टम और ये हम सेपरेटली आप एक बार वीडियो कॉल करके हम बातचीत करेंगे और उसके ऊपर हल निकालेंगे. ये मैं 6 महीने से होम्योपैथी दवा ले रहा हूँ, असर नहीं पड़ा, ज्यादा बीमारी बढ़ रही है. नहीं नहीं, मैंने जो बोला वही कैसा है. अभी सब लोग होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं, सब लोग आयुर्वेदा मेडिसिन देते हैं. जब अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई भी मेडिसिन ये रहेगा, आयुर्वेदा भी रहेगा या ये रहेगा होम्योपैथी रहेगा, तो पकड़ के चलो कि आपके लिए एक मेडिसिन चाहिए. अभी सब होम्योपैथी क्या करते हैं, एक मेडिसिन का. अभी समझो कौशिक को जिस मेडिसिन से मुझे रिजल्ट मिला है वही मेडिसिन में सब लोगों को देते बैठा तो उनको रिजल्ट नहीं आएंगे. हर पेशेंट को कोई अलग मेडिसिन मुझे देना है. और बाकी के होम्योपैथ, सब होम्योपैथ पे मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी कैसा हुआ है कि नहीं, मुझे एक मेडिसिन से रिजल्ट मिला है, मैं 100 पेशेंट को वही मेडिसिन देते बैठू, उसमें से कोई 4 पेशेंट को उसको रिजल्ट मिलता है, बाकी के 90 पेशेंट को उसको रिजल्ट नहीं मिलता है. ऐसा भी हो सकता है. लेकिन जो हर पेशेंट को सिंगल मेडिसिन, वही मेडिसिन जो उसको लगे, वो पेशेंट को फिट है, वही देगा, उस मेडिसिन से ही उसको अच्छा लगेगा. यानी
मैं वही किसी पेशेंट को मेरे पास आते हैं उनको बोलता हूँ कि मेरे से अच्छा नहीं लगा तो आप होम्योपैथी बंद मत करो, आप दूसरा होम्योपैथ ढूंढ लो जो आपको समझो मेडिसिन दे सकता है, बराबर मेडिसिन दे सकता है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी साथ में ले सकते हैं, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी साथ में ले सकते हैं, लेकिन कैसा होता है कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है मैं आयुर्वेदिक से अच्छा हो रहा हूँ या होम्योपैथी से हो रहा हूँ, कभी कभी हमें क्योंकि समझो और एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, समझो एमएनडी के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन जो है वो भी एक मसल है, उसका वीकनेस आने से उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होने से उसका मूवमेंट कम होने से उसको स्टूल पास करना कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट होता है। तो समझो डायरेक्टली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाने वाले जैसे सेनावटी रहती है आयुर्वेदा में, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने वो दिया होगा और उसको लूज मोशंस हो रहे हैं कुछ और थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि होम्योपैथी के मेडिसिन देने से उसको लैक्सेटिव दिए है, वो आयुर्वेदा का लैक्सेटिव भी दिया है, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि उसको होम्योपैथी के मेडिसिन से रिजल्ट मिल रहा है या ये लैक्सेटिव देने से पड़ रहा है। मैं भी बोलता हूँ किसी पेशेंट को ठीक है लैक्सेटिव दे दो, लेकिन उसका डोज कम करते जाके देखो, कम करके देखो, एक समझो दो गोली ले रहा है तो उसको डेढ़ गोली दे दो, एक गोली दे दो, उससे उसको हो रहा है तो हमको मालूम पड़ेगा कि नहीं मेरा मेडिसिन काम कर रहा है, क्योंकि मुझे मेरा मेडिसिन काम कर रहा है इसका मुझे अंदाजा आना चाहिए पहले, और आपको भी आना चाहिए, तभी मैं कंटिन्यू करूंगा कि मेडिसिन हाँ ये ही मेडिसिन है, क्योंकि किसी पेशेंट के जब मैं पेशेंट लेता हूँ तो मेरे सामने उस पेशेंट के लिए पांच पांच मेडिसिन भी मेरे सामने आती है कि ये पांच मेडिसिन लग सकती है, लेकिन पांच में से एक मेडिसिन लग सकता है, तो मैं पहला नंबर वाला देखता हूँ, दूसरा देखता हूँ, तीसरा देख, लेकिन देखने के लिए ये असेसमेंट पेशेंट से मिलनी चाहिए, और ऐसे बीच में कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेटेड जो मेडिसिन है डायरेक्ट एक्ट करने वाले जैसे लैक्सेटिव बोलते हैं या पेन किलर बोलते हैं, तो वो मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे ये चालू है करके उसको पेन नहीं आ रहे, एंटी क्रैम्प मेडिसिन रहते हैं वो मेडिसिन लेने से क्रैम्प नहीं अभी आ रहे हैं, तो वो सब असेसमेंट करना पड़ता है कि एलोपैथी का मेडिसिन कौन सा चालू है, आयुर्वेदा का क्या चालू है, और ज्यादातर ये जो लैक्सेटिव के बारे में ये करता है, क्योंकि पेशेंट को अच्छा लगता है वो उसको जो रेगुलर सिम्टम जो रहते हैं वो सिम्टम में उसको क्या अच्छा हो गया, एसिडिटी आती है, डका रहते हैं, वो पेट फूलता है पेट में, ये तो रेगुलर उसके सिम्टम है, एमएनडी के लिए मेडिसिन दिया और वो भी अच्छे होने लगे, क्योंकि होम्योपैथी में एंटासिड करके मेडिसिन कभी नहीं है, जो मेडिसिन है वो उसके लिए है, तो उसका वो बाकी के सिम्टम अच्छे होने से उसको अच्छा हो रहा है ये मालूम करने के लिए, आयुर्वेदा का मेडिसिन नहीं रहेगा तो अच्छा, लेकिन डायरेक्टली एलोपैथी का जो मेडिसिन रहता है जैसे एंटी डायबिटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है, या तो रिल्यूटर जैसे मेडिसिन चालू रहते हैं, वो मेडिसिन हम डायरेक्टली बंद करने को नहीं बोलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम वो टैपर करते जाते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो विवेक जी आप अनम्यूट कीजिए। विवेक जी हाँ, डॉक्टर प्रभु नमस्ते। नमस्ते हाँ बोला बोला। सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि एमएनडी होने का मेन रीजन आपको क्या लगता है? अभी तक आज तक जो एमएनडी का स्टडी हुआ है वर्ल्ड वाइड जो स्टडी हुआ है उस स्टडी में अभी तक ऐसा कुछ उसको यही नहीं बोला है कि उसका कॉज क्या है। हम जब मॉडर्न मेडिसिन का स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि इट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक यानी एडियट जैसा बोलते हैं वैसा, उसका कारण ऐसा कुछ आज तक निकल नहीं पाया है, लेकिन
बोले तो इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनोलॉजिकल कॉज उसके बीच में है करके अभी बोला जाता है, और उसके लिए भी कौन से एंटीबॉडी से वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे भी आज तक कोई ऐसा ये परफेक्टली ये निकाल नहीं पाए है। कई पेशेंट के बारे में कोई एंटीबॉडी निकलती है, कोई मिलती है कि ये एंटीबॉडी से उसको ये हो रहा है, लेकिन आज तक ऐसा कंस्ट्रक्टिव कॉज कभी भी नहीं बोला गया है। लेकिन ऐसे एंटीबॉडीज तो आपके बॉडी में बहुत रहते हैं। अभी आपको कोरोना होने के बाद आपको सब लोगों को एंटीबॉडी यानी क्या है वो मालूम है। ऐसे आपको इन्फेक्शन बहुत हुए होंगे, आपके लाइफ में इतने इन्फेक्शन हुए हैं कि उस इन्फेक्शन के लिए कोई तो एंटीबॉडी बॉडी में तैयार होती है और वो बॉडी में वैसे ही रहती है, और वो एंटीबॉडी बॉडी में बॉडी के जो रिएक्शन है, बाकी के जो मेटाबॉलिक नॉर्मल रिएक्शन है, उसको कभी कभी बढ़ाती है, कभी कभी कम कर देती है। वैसे ही वो एंटीबॉडी या एंटीजेन ये नर्वस जो लाइन रहती है आपकी, नर्व लाइन जो रहती है उसके बीच जो कनेक्शन रहती है वो कनेक्शन को खराब कर देती है, इसलिए एमएनडी होता है। जो आपको एमआरआई करके पता चलता है या ईएमजी करके आप करते हैं उसमें आपको पता चलता है कि अरे हाँ यहाँ से यहाँ करंट नहीं जा रहा है, ये नर्व मीडियन नर्व नहीं जा रही है, अल्नर नर्व नहीं काम कर रही है, इसके वास्ते उसकी अंगूठा नहीं चल रहा है, कोई रिस्ट जॉइंट का हालचाल नहीं हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। वो जो ईएमजी आप जो रिपोर्ट सब बहुत जनों ने किया है, बहुत जनों के पास वो रिपोर्ट्स रहते हैं और उससे ही वो डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन वो जो एंटीबॉडी बॉडी में रहती है उसको बॉडी निकाल नहीं क्यों सकती, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और वो क्यों करती है, क्योंकि वो आदमी कैसी तरह विचार करता है, कैसे तरह वो सोचता है, किसको वो प्रायोरिटी देता है, उसके ऊपर रहता है। ऐसा हम होम्योपैथी में सोच रहे हैं, इसलिए हम होम्योपैथी में साइकोलॉजी के सिम्टम लेते हैं, उसका उसके इमोशंस कैसे है, वो गुस्सा कौन सी बात पे करता है, उसको एंग्जाइटी कौन सी बात की है, उसने कौन से बात के शॉक आज तक उन्होंने लिए है, उसको क्या फाइनेंशियल लॉस हुआ था, उसको कोई बिजनेस में लॉस हुआ था, उसको नौकरी में कुछ प्रॉब्लम है, नौकरी करने में कुछ उसको डर लगता है, उसकी कॉन्फिडेंस कैसी है, वो सब पकड़ के हम मेडिसिन दे देते। बोलो। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल है। हाँ, होम्योपैथी के दवा तो मैं अभी ले रहा हूँ ऑफिस से। हाँ, और आशा है कि अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन मेरा मुझे पूछना ये था कि जनरली एमएनडी एएलएस में एक एलोपैथी का गोली लेते हैं रिलुटोर। हाँ हाँ, रिलुटोर गोली लेते हैं बहुत से लोग, तो होम्योपैथी में अगर हम चालू करते हैं होम्योपैथी तो रिलुटोर लेना चाहिए या नहीं? कैसे है रिलुटोर, रिलुटोर जो मेडिसिन है वो जो खराबी चालू हुई है नर्व्स में, जो खराबी चालू हुई है उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाता है, ऐसा उसका स्टडी हुआ है। रिलुटोर का रिलुटोर मेडिसिन निकाला है वो उसके लिए एलोपैथी में निकाला है, लेकिन उसके वो हम बंद करो करके तभी बताएंगे किसी भी पेशेंट को, जब उसको कुछ तो मसल एक्टिविटी में फर्क आना चालू हो गया है। जैसे मैंने जैसे बोला, अभी कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि मेरा हाथ ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे करते, मैंने जो वीडियो देखे है वो मैं बोल रहा हूं, तो समझो ये हाथ उसको इतना करने को आ रहा है, मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन चालू किया तो उसको इतना करने को आ रहा है, इतना करने को आ रहा है, यही असेसमेंट है। तो उसका जो डेल्टॉइड मसल बोलते हैं, ये जो कंधों का मसल है, उसमें ताकत आने से वो हाथ ऐसा उठा रहा, या तो समझो हाथ उनके ऐसे है तो वो ये अंगूठा थोड़ा थोड़ा हिला रहा है, अभी
ये मूवमेंट इतना नहीं हो रहा था, वो इतना हो रहा है, अभी वो पूरा कर रहा है, लेकिन ये इतना ही है। ये ऐसे करके छोटे छोटे असेसमेंट पेशेंट ने देखना चाहिए। पेशेंट क्या करता है, नहीं नहीं मेरा अभी तक हाथ हिलता ही नहीं है, मेरी अंगूठी मेरा अंगूठा हिलता ही नहीं है, ऐसे बोलता है। लेकिन ये छोटे छोटे वीकनेस छोटे छोटे हिसाब से और थोड़े थोड़े परसेंटेज में वो उसको अच्छा लगना चालू होता है, तो तभी रिड्यूटर मेडिसिन का डोज हम कम कर सकते। थैंक यू। ओके अजीत जी, आप अनम्यूट करेंगे? अजीत जी, अजीत जी, अजीत जी, आप हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ बोलो प्रभु जी। मैं 1.5 साल से होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ। हाँ। मेरा प्रोग्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ। पिछले 1.5 साल में 3 बार मैंने मेडिसिन बंद किए हैं, 10 दिन के लिए, और प्रोग्रेशन फास्ट मेरा। क्या हुआ? प्रोग्रेशन ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा जब होम्योपैथिक मेडिसिन बंद किया तो। बंद करने के बाद? नहीं, क्या रहता है देखो, होम्योपैथी मेडिसिन जो आपने चालू की थी पहले एक बात है, होम्योपैथी में आपको हर होम्योपैथ का मेडिसिन देने का तरीका अलग रहता है। कभी कभी कोई होम्योपैथ कैसे करते हैं कि 3-4 मेडिसिन एक ही बार चला के देते हैं। कोई होम्योपैथ एक मेडिसिन देता है और उसके साथ दूसरा ऐसा मेडिसिन देता है कि उसकी एक्शन को आगे बढ़ाए, और पहले मेडिसिन का डोज हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या 3 दिन, महीने में 3 दिन, फिर महीने का उसका रिजल्ट कैसा है वो देखते बैठता है। तो आपको कैसी मेडिसिन दी है, रोज देनी लेने के लिए दी है, या 3-4 मेडिसिन एक ही साथ चला रहे हैं, एक ही दिन में तीनों मेडिसिन दे रहे हैं, वो मुझे मालूम नहीं है। 4 मेडिसिन एक साथ है। और दूसरी बात, अभी कैसा है, समझो ऐसा मेडिसिन होम्योपैथी का चालू किया और आपका प्रोग्रेशन कम हो रहा है या प्रोग्रेशन को ब्रेक लग गया है, ये आप ही बता सकते हैं। और मेडिसिन बंद करने के बाद प्रोग्रेशन बढ़ गया है ऐसा समझो आप समझ रहे हैं, तो वो मेडिसिन से कोई एक मेडिसिन आपको काम कर रही थी लेकिन उसका पोटेंसी आपको परफेक्टली मैच नहीं हो रहा था। उसका आइदर उसका पोटेंसी बढ़ाना चाहिए या तो उसका पोटेंसी कम करना चाहिए। ये आपको जो होम्योपैथी डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर वो निर्भर करता है। वो होम्योपैथ को मैं ब्लेम नहीं करूंगा कि होम्योपैथी का ये है, लेकिन वो होम्योपैथी डॉक्टर को ये है कि उसको समझ में कितना आ रहा है आपके बारे में। ठीक है अजीत जी, आपका क्वेश्चन हो गया सर? ठीक है। ओके, और किसी को कोई सवाल है? नहीं तो अभी एंड करने का टाइम आ गया। मैं डॉक्टर प्रभु आपसे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे के लिए मीटिंग में आपने टाइम निकाला और हम सबके साथ आपने ये जूम सेशन अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं आपके पास है डिटेल लेके ग्रुप में ऐड कर दूंगा कि आपका ऑफिस टाइमिंग क्या है, आपका फोन नंबर सब कुछ ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके ओके। और मैं भी आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने इतने लोगों का सेवा करने का मुझे मौका दिया है। एक तरह का मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे से भी इन लोगों की सेवा हो रही है, क्योंकि आज तक इस लोगों को जो मॉडर्न मेडिसिन है या कोई मेडिसिन है उसमें ज्यादा तक हल नहीं निकाला है, लेकिन हम अभी उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसा एक पेशेंट बड़ा हुआ अच्छा हुआ है, और भी एक 3-4 पेशेंट जैसे है, जैसा और एक पेशेंट था उसको वो अभी साइकिल चला रहा है, वो चलने के बजाय वो साइकिल भी चलाना चालू किया है, तो ऐसे पेशेंट को रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मेरे को भी ऐसा ये है कि अरे नहीं
जो इनक्यूरेबल इनक्यूरेबल करके जो बोला जाता है उसमें कुछ तो क्योर हम पा रहे हैं और उनको जीने का एक मजा दे रहे हैं। तो आपके ग्रुप के कारण और डायरेक्टली प्रिया जी और आप पिनाकिन भाई आपके कारण मुझे सेवा करने का जो मौका मिल रहा है इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर कमिंग टू द सेशन सर। और प्रिया जी आपका भी धन्यवाद, आपने सर के पास इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि प्रिया जी ने टोटल 3 ट्रीटमेंट दिए थे कौशिक जी को। पहला सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर प्रभु, सेकंड ट्रीटमेंट उन्होंने दिया था प्राणिक हीलिंग का, और थर्ड ट्रीटमेंट उन्होंने कौशिक जी को बोला था तेरे को लात मार खड़ा करूंगी, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, दिस इज माय स्टाइल ऑफ मोटिवेशन एक्चुअली। प्रिया जी इसके लिए सर मैं गोवा नहीं आ रहा हूँ क्योंकि प्रिया जी सबको लात मार के खड़ा कर रही है। Priya, you want that treatment then? Okay. Pinakin need that treatment actually. Thank you so much, sir. Thank you so very much. Thank you, Dr. Kabur. Thank you so much. He's always spreading positive vibes. Pinakin, thank you. Yeah, that's true. Thank you so much, sir. I'll contact Dr. Prabhu shortly. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah.